दावोस में कल दुनिया को भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व रूप दिखाकर पीएम मोदी भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच से आने वाले भारत की तस्वीर दिखाई है। पीएम मोदी ने कहा है कि 1997 का भारत और था, 2018 का ये भारत और है। 2025 में भारत $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगा। पीएम मोदी ने दुनिया को आर्थिक पाठ पढ़ाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का इस्तेमाल किया। प्लीज वेलकम हिज एक्सलेंसी द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नमस्कार। विश्व में भारत के बढ़ते दबदबे की ये पहचान है। एक महत्वाकांक्षी एजेंडा है। दुनिया ने पीएम मोदी को हिंदी में सुना। सन 1997 में हुई थी जब वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, और भी ज्यादा सार्थक है, रिलेवेंट। विकसित होते भारत की बुलंद तस्वीर को बताने के लिए आम हिंदुस्तानी की भाषा से बेहतर भला और कौन सी भाषा होती। '97 में भारत का जीडीपी सिर्फ $400 बिलियन से कुछ अधिक था। अब दो दशकों के बाद यह लगभग 6 गुना हो चुका है। करीब 50 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का आर्थिक मंत्र दिया। भारत में अनादि काल से हम मानव मात्र को जोड़ने में विश्वास करते आए हैं, उसे तोड़ने में नहीं, उसे बांटने में नहीं। पीएम ने दुनिया को सचेत करते हुए कहा कि विज्ञान, तकनीक और आर्थिक प्रगति के नए आयामों में एक ओर तो मानव की समृद्धि के नए रास्ते दिखाने की क्षमता है, लेकिन दूसरी ओर इन परिवर्तनों से दरारें भी पैदा हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो सहयोग के ऊपर संघर्ष को हावी करती हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर पीएम मोदी ने जोरदार तरीके से दुनिया के सामने अपनी बातें रखी। पीएम ने किसी भी देश का नाम लिए बिना वो 3 मुद्दे उठाए जिससे कई बड़े देश कड़घड़े में खड़े हो गए। अपने सुखों के लिए प्रकृति के शोषण तक पहुंच गए हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है आतंकवाद। तीसरी चुनौती है, और मैं ये तीसरी चुनौती देखता हूं कि बहुत से समाज और देश ज्यादा से ज्यादा आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जिन 3 बड़े खतरों से दुनिया को आगाह किया वो है क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद और आत्म केंद्रित होते देश। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया के कई देशों के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाया। आतंकवाद जितना खतरनाक है उससे भी खतरनाक है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट के बीच बनाया गया आर्टिफिशियल भेद। दूसरा, समकालीन गंभीर पहलू जिस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं वह है पढ़े लिखे संपन्न युवाओं का रेडिकलाइज होकर आतंकवाद में लिप्त होना। पीएम मोदी ने आर्थिक जगत के सबसे बड़े मंच से रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का जिक्र किया। पीएम ने उपनिषदों के श्लोकों से आदिकाल के भारत को आज के दौर के अर्थशास्त्र से जोड़कर अपनी आर्थिक ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा, आज का भारत वर्षों पहले के भारत से बिल्कुल अलग है। आज के भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट बिछाया जाता है। हमने लाइसेंस परमिट राज को जड़ से खत्म करने का प्रण लिया है।
रेड टैप हटाकर हम रेड कारपेट बिछा रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गए हैं। पीएम मोदी ने कहा अगले 7 सालों में भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। भारत के युवा नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं तो भारत में आइए। अगर आप हेल्थ के साथ जीवन की होलनेस यानी समग्रता चाहते हैं तो भारत में आए। अगर आप प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस चाहते हैं तो भारत में आए। आप भारत आए, भारत में हमेशा आपका स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्ते। करीब 21 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री विश्व आर्थिक मंच से बोल रहा था। पहली बार किसी भारतीय पीएम की ओपनिंग स्पीच से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत हुई। दुनिया विकसित होते भारत के आर्थिक मंत्र का पाठ सुनकर तारीफ कर रही है। The Honorable Prime Minister comes and showcases it at Davos, which is supposed to be a group of the most powerful people in the world. I think it's just a matter of great pride, and hopefully the world will listen and come to India. अंग्रेजी को बिजनेस और पैसे की भाषा माना जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने आर्थिक मंत्र को बताने के लिए हिंदी को चुना, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से, जहां दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज मौजूद थे। सुमित चतुर्वेदी, जी मीडिया, दावोस।